वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में, जो कि पोको एम टू प्रो में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको एम टू प्रो, और यहाँ पे पोको एम टू प्रो, उसके बाद जो यहाँ पे रेडमी नोट 9S, उसके बाद यहाँ पे नोट 9 प्रो, और यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि प्रो मैक्स। यहाँ पे कौन सा भी डिवाइस में आप ये रॉम को यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 10 मिल जाता है 1 नवंबर का। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो इस रॉम के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे एसोस का, आपको यहाँ पे जेनफोन का OS आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आपको सभी एसोस के एप्लीकेशन मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टॉक UI मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फीचर्स बहुत ही ज़्यादा मिलने वाले हैं, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि एंटीडू बेंच मार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंटीडू बेंच मार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि 2,59,000, जो कि कंपेरिजन वाइज आपको यहाँ पे MIUI आपको स्कोर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा यूज़ कर सकते हो। नाइट मोड, पोर्ट्रेट, यहाँ पे वीडियो सभी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि कंप्लीट आपको यहाँ पे एक ही गूगल कैमरा मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है जो कि सभी आपको जो है एसुस के एप्लीकेशंस मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है सेटिंग्स पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको 12 4G वोल्टी बेशक सपोर्टेड है। यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ और यहाँ पे हॉटस्पॉट्स तीनों वर्किंग है। ऐप्स और नोटिफिकेशन में डिफॉल्ट आपको चेंज कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि स्टोरेज और यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेट। यहाँ पे आपको बेशक साउंड तो यहाँ पे वर्किंग ही है, आपको बस यहाँ पे रिंगटोन चेंज कर लेना है। उसके बाद बेशक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो देख सकते हो आपको यहाँ पे सभी रिंगटोन्स मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि स्टोरेज, बैटरी के यहाँ पे मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे मैं जस्ट अभी फुली चार्ज किया था बैटरी को, तो यहाँ पे 98% देख सकते हो, जो कि बैटरी बैकअप आई थिंक यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे पोको एम टू प्रो में आप कौन सा भी यहाँ पे कस्टम रॉम यूज़ कर लो, लेकिन यहाँ पे पोको एम टू प्रो का जो बैटरी बैकअप है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं 6000 mAh का बैटरी, जो कि यहाँ पे पोको X3 को यूज़ करता हूँ, लेकिन उसका बैटरी बैकअप इससे भी कम आपको देखने को मिल जाता है। जो कि पोको एम टू प्रो में क्या है कि बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे कंपैरिजन वाइज 6000 mAh आपको यहाँ पे पोको एम टू प्रो में ही अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। तो बैटरी बैकअप की आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ब्राइटनेस लेवल देख सकते हो, उसके बाद जो अडेप्टिव ब्राइटनेस, यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्राइटनेस आप अनेबल करके यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको नाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके अपने आप को यहाँ पे आप बचा सकते हो। यहाँ पे आपको जो कि मिल जाता है जो कि स्प्लेंडेंट, आप यहाँ पे कलर टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो। तो एक्चुअल में ये भी बहुत ही ज़्यादा आपको कूल अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे लाइव वॉलपेपर, यहाँ पे आप लाइव वॉलपेपर यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है एसुस के, आपको यहाँ पे लाइव वॉलपेपर्स मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्लीप टाइम आपको 90 तक का मिल जाता है। उसके बाद जो ऑटो रोटेशन, यहाँ पे सिस्टम कलर थीम, जो कि अगर आप यहाँ पे डार्क मोड यूज़ करना है तो डार्क मोड भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो पावर बटन, जो कि मेन्यू स्टाइल आप कलरफुल, यहाँ पे काल्म, उसके बाद यहाँ पे एलिगेंट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो कलरफुल अच्छा है, जो कि यहाँ पे आपको बीच में देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉन्ट स्टाइल और यहाँ पे ऐप स्क्रॉलिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद जो स्टेटस बार, आइकॉन मैनेजर, उसके बाद जो यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन, अगर आप यहाँ पे जेक्सर्स यूज़ करना है तो जेक्सर्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे स्वाइप अप जेक्सर्स और ये जेक्सर्स, ये भी अलग सा आपको जेक्सेस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे चार्ज आपको यहाँ पे जेक्सेस मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेविगेशन बार मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्विक सेटिंग लेआउट, उसके बाद यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन और यहाँ पे LED इंडिकेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे लोकेशन और यहाँ पे सिक्योरिटी में फेस अनलॉक, तो यहाँ पे वर्किंग नहीं है। आई थिंक यहाँ पे फेस अनलॉक क्यों वर्क हो रहा है नहीं पता, लेकिन यहाँ पे फेस अनलॉक वर्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है। फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट प्रॉपरली वर्किंग है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप पिनिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप बैक में आके आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि एडवांस में आपको यहाँ पे मेन जो है आपको कस्टमाइजेशन इसके अंदर ही मिल जाता है, जो कि मोबाइल मैनेजर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि ग्रांट परमिशन। और उसके बाद यहाँ पे रैम बूस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है डेटा यूसेज, मेमोरी क्लीनर, उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। और उसके बाद पावर मास्टर का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बैटरी का आप बेशक यहाँ पे बचा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि स्मार्ट की, उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट लिसनिंग, उसके बाद जो है गेम जीनियस का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे ट्विन ऐप, जो कि यहाँ पे डुअल ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद जो है सेफ गार्ड का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिफ्लिक्स, उसके बाद जेक्सस का सपोर्ट मिल जाता है।
लिफ्ट अप टू चेक फोन, उसके बाद जो है फिंगरप्रिंट चेक से, उसके बाद जो है लिफ्ट डाउन टू म्यूट, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको हैंड्स अप मिल जाता है, और डबल टैप टू स्क्रीन ऑन या ऑफ कर सकते हो, उसके बाद जो है स्वाइप अप टू मेक वेक जो कि यहाँ पे देख सकते हो, स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे डिवाइस वेक होगा, और आप यहाँ पे जो है जेक्सेस यूज़ करना है तो जेक्सेस यूज़ करके आप क्विक लॉन्च कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि 100 रिमोट, उसके बाद जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है जो कि 1080 पिक्सल्स में यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी का आप रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लिप कैमरा जो कि यहाँ पे फ्यूचर्स, एक्चुअल में फ्लिप कैमरा जो है यहाँ पे एसुस के डिवाइस में है, तो वो डिवाइस का ओएस इसके अंदर आप बेशक यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो वो डिवाइस का पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है, उसके बाद जो है पॉकेट मोड, यहाँ पे ग्लोव्स मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि अकाउंट एक्सेसिबिलिटी डिजिटल वेलबींग, यहाँ पे आप डिजिटल वेलबींग में ट्रैक कर पाओ कि निर्बार आपने यहाँ पे क्या किया था, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गूगल सिस्टम सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि अबाउट फोन में रेडमी नोट 9S, और यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल बैकअप डेटा ट्रांसफर आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे सपोर्ट में जो है आपको यहाँ पे जेन टॉक, उसके बाद माई एसोस, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक कॉल कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कॉलिंग वर्किंग है, तो यहाँ पे मैं एक कॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कॉलिंग जो है वर्किंग है, उसके बाद यहाँ पे आप बेशक ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर को भी अनेबल कर सकते हो जो कि हर एक कॉल को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ पे वोल्टी कॉल्स का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में यहाँ पे रॉम कैसा है, तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको गेम जीनियस में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक मोड मिल जाता है, लॉक मोड स्पीड अप, उसके बाद यहाँ पे माइक्रो, उसके बाद यहाँ पे टच लॉक, यहाँ पे रिकॉर्ड, और आप यहाँ पे लॉक ब्राइटनेस, यहाँ पे नो अलर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग बता देता हूँ जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक सेटिंग आपको यहाँ पे स्मूथ के साथ अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है, HD के साथ आपको यहाँ पे हाई का सपोर्ट मिल जाता है, तो चलिए मैं एक गेम प्ले कर लेता हूँ,
तो यहाँ पे देख सकते हो इस रोम का परफॉर्मेंस जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो है ग्राफिक सेटिंग बैलेंस के साथ आप अल्ट्रा में यहाँ पे प्ले कर सकते हो, और यहाँ पे आपको कोई लैग या फ्रेम ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे गेम जीनियस का सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल का एप्लीकेशन सभी आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरा भी गूगल का मिल जाता है, और यहाँ पे सभी एसुस के एप्लीकेशंस मिल जाता है। तो बेशक आप यहाँ पे एसुस के एप्लीकेशन यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आपको एसुस का आपको यहाँ पे यूआई मिल जाता है जो कि बेशक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कि एसुस जेनफोन का आपको यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी बग तो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला, और उसके बाद यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बेशक आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये रोम को कैसे इंस्टॉल करें उसके बारे में वीडियो होना, तो वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे मैं बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे रोम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि आप बेशक इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि पोको M2 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।